गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है होलोग्राफी। ठीक है, फोटोग्राफी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, उसी की सिमिलर होती है हमारी होलोग्राफी। ठीक है, हिंदी में भी इसको होलोग्राफी ही बोलते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए मिक्स लिख रही हूँ, दोनों चीज़ें बता रही हूँ साथ साथ। ठीक है, तो होलोग्राफी होती क्या है? होलोग्राफी हमारी जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है? इंटरफ्रेंस पे। इंटरफ्रेंस मीन्स व्यतिकरण पे। इंटरफ्रेंस होता क्या है? इंटरफ्रेंस, हमने ये चीज पढ़ी होगी आपने कि जब दो वेव्स का, दो तरंगों का सुपर इम्पोज होता है कोई चीज पे, तो क्या है, एक पैटर्न बनता है, फ्रिंजेस बनती है, ब्राइट और डार्क, उसी पैटर्न को बोलते हैं इंटरफ्रेंस। ठीक है, और किस पे बेस्ड होती है ये इंटरफ्रेंस? और डाइफ्रेक्शन पे बेस्ड होती है ये। इंटरफ्रेंस और डाइफ्रेक्शन मीन्स विवर्तन। इसे जस्ट नेक्स्ट यूनिट है आपकी विवर्तन की, उसके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। विवर्तन होता क्या है, कैसे कैसे, जैसे इंटरफ्रेंस के बारे में सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, उसके एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, वैसे ही हम डाइफ्रेक्शन के लिए सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो हमारी होलोग्राफी होती है, ये मेन एप्लीकेशन होती है किसकी? मेन एप्लीकेशन किसकी होती है? ये लेजर की। ठीक है, लेजर लाइट। लेजर लाइट, इसमें होलोग्राफी में सिर्फ और सिर्फ हम लेजर लाइट का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं लेजर लाइट का? क्योंकि लेजर लाइट हमने पढ़ी है कि मोनोक्रोमेटिक होती है, कोहरेंट सोर्स के लिए होती है। ये मोनोक्रोमेटिक होती है, मोनोक्रोमेटिक, और कोहरेंट सोर्स होता है इसमें, कोहरेंट सोर्स, और यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में, मतलब कला संबंध होती है, एक डायरेक्शन में होती है, और बहुत अधिक हाई इंटेंसिटी, मतलब बहुत अधिक तीव्रता की भी होती है। ठीक है, तो होलोग्राफी इन तीनों का एप्लीकेशन है, तीनों का यूज करेंगे, इंटरफ्रेंस, डाइफ्रेक्शन और लेजर लाइट का। ठीक है, जब इसके होलोग्राफी जो बनाते हैं हम, होलोग्राफी के लिए जो होलोग्राम बनता है, पहले आगे आपको सब चीजें एक्सप्लेन की जाएगी डायग्राम द्वारा, कि जो होलोग्राम बनता है वो सिर्फ वो किसके बेस पे बनता है? इंटरफ्रेंस, डायफ्रेक्शन, उसमें लेजर लाइट का हम यूज करते हैं। इंटरफ्रेंस और डायफ्रेक्शन, इन सब का इसमें यूज होता है। अब आपने ये चीज जरूर सुनी होगी फोटोग्राफी के बारे में, फोटोग्राफी। ठीक है, अब फोटोग्राफी की तरह ही होती है हमारी होलोग्राफी। ठीक है, फोटोग्राफी होती क्या है? फोटोग्राफी और होलोग्राफी में आपको डिफरेंस बताती हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक दूसरे के सिमिलर ही होती है लगभग तो ये। ठीक है, फोटोग्राफी क्या होती है? ये टू डायमेंशन होती है। कोई चीज की हमने फोटो ली, ठीक है, फोटो ली तो वो हमें कोई सरफेस भी दिखेगी। ठीक है, बट होलोग्राफी क्या होती है? थ्री डायमेंशन होती है। थ्री डायमेंशन मीन्स, अगर हम कोई चीज की फोटो ले रहे हैं, होलोग्राफी कर रहे हैं कोई चीज की, तो वो हमें थ्री डायमेंशन में दिखेगी। हमें लगेगा कि वो चीज खुद यहां पे एग्जिस्ट कर रही है, वो खुद यहां पे खड़ी है। मान लो आप अपनी होलोग्राफी करवा रहे हो, अपनी होलोग्राफी करवाओगे तो आप होलोग्राफी के बाद, जैसे फोटोग्राफी में फोटो दिखती है सरफेस के ऊपर आपकी, वैसे होलोग्राफी में आप पूरे एज इट इज यूं दिखोगे कि आप खुद ही खड़े हो। ठीक है, तो होलोग्राफी हमारा थ्री डायमेंशन में होता है और फोटोग्राफी हमारी टू डायमेंशन में होती है। एक मेन डिफरेंस ये होता है। दूसरा क्या है, जो इंटेंसिटी और होलोग्राफी में, सॉरी फोटोग्राफी में क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता, और एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, इन दोनों का यूज होता है। ठीक है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मीन्स आयाम, इन दोनों का यूज करते हैं हम किसमें? फोटोग्राफी में। ठीक है, फेज की कोई बात नहीं करते, मीन्स कला की कोई बात नहीं करते, कितना फेज डिफरेंस है उसके बीच में, ठीक है, वो चीज की हम कोई जिक्र नहीं करते फोटोग्राफी में, सिर्फ इंटेंसिटी की, उसकी तीव्रता कितनी है, उसका एम्पलीट्यूड, उसका आयाम कितना है। ठीक है, इन दो ही चीजों का जिक्र करते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी हमारी टू डायमेंशन होती है। ठीक है, तो और जो हमारी होलोग्राफी होती है उसमें हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता और एम्पलीट्यूड के साथ साथ हम किसका यूज भी करते हैं, फेज वेरिएशन को भी चेक करते हैं, कितना इसमें फेज वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, कितना इसमें कलांतर आ रहा है। ठीक है, कलांतर। ठीक है, तो इन तीनों चीजों का यूज होता है इसमें, होलोग्राफी में, और फोटोग्राफी में सिर्फ इंटेंसिटी, तीव्रता और आयाम को देखते हैं, एम्पलीट्यूड को देखते हैं, फेज की बात नहीं करते। और फोटोग्राफी को क्या है, हम ओनली सरफेस पे देख सकते हैं, और होलोग्राफी को क्या है, हम एज इट इज हमें थ्री डायमेंशन में दिखती है।
ठीक है, इसमें कोई लेंस यूज नहीं होता, नो लेंस इज यूज, कोई लेंस का हम यूज नहीं करते, इसमें हम यूज कर सकते हैं लेंस का, ठीक है। और जो जो हमारी ये होलोग्राफी है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, किस पे, इंटरफ्रेंस पे और डायफ्रेक्शन पे, दो चीजों पे डिपेंड करती है हमारी होलोग्राफी, इंटरफ्रेंस पे और डायफ्रेक्शन पे, ठीक है। और जो हमारी होलोग्राफी होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ गए, क्या क्या डिफरेंस होते हैं फोटोग्राफी और होलोग्राफी में। फोटोग्राफी होती है 2 डायमेंशन, होलोग्राफी होती है हमारी 3 डायमेंशन, ठीक है। ये इंटेंसिटी, तीव्रता और आयाम पे डिपेंड करती है ओनली, कलांतर का इसमें कोई रोल नहीं होता। और जो ये होलोग्राफी होती है वो इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड मतलब तीव्रता, आयाम और फेज वेरिएशन मतलब इन सब का यूज होता है इसमें, ठीक है। और जो होलोग्राफी है वो इंटरफ्रेंस और डायफ्रेक्शन पे बेस्ड होती है, इसमें कोई लेंस का यूज नहीं करते। होलोग्राफी में हम ओनली एंड ओनली लेजर लाइट का यूज करते हैं, क्योंकि वो कला संबंध कोहरेंट सोर्स की तरह मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है लेजर में, इसलिए हमें होलोग्राफी में ओनली एंड ओनली किसका यूज करते हैं, लेजर लाइट का। होलोग्राफी के टू पार्ट्स होते हैं होलोग्राफी के, कौन कौन से। फर्स्ट होता है कंस्ट्रक्शन, निर्माण, मतलब होलोग्राम का निर्माण करना, ठीक है। सेकंड पार्ट होता है इसका रिकंस्ट्रक्शन, इसका मतलब हुआ निर्माण, और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब पुनर्निर्माण, ठीक है। दो पार्ट होते हैं होलोग्राफी के, निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन। कैसे बनते हैं ये चीज अब देखिए आप, ठीक है। पहला पढ़ेंगे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम, मतलब होलोग्राफी में हम पहले होलोग्राफ का निर्माण करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मतलब होलोग्राम का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम, ठीक है। कैसे करते हैं, देखो यहां से कोई लेजर सोर्स लेते हैं हम, लेजर लाइट का, ये हमें क्या देगा, लेजर लाइट देगा। यहां पे हम कोई प्लेट, स्प्लिटिंग प्लेट, ये होती है स्प्लिटिंग प्लेट, हिंदी में बोलते हैं इसको विभाजक प्लेट, विभाजक प्लेट, ठीक है, P1, इस पे डालते हैं हम लेजर लाइट। विभाजक प्लेट का मतलब ये जो लेजर लाइट आएगी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, एक तो यहां से क्या कर देगी ये रिफ्रैक्ट, यहां से क्या कर देगी इसका परावर्तन कर देगी, रिफ्लेक्टेड लाइट यहां जाएगी और यहां से क्या कर देगी, सॉरी रिफ्लेक्टेड लाइट यहां जाएगी और जो यहां से जाएगी वो कौन सी लाइट होगी, ट्रांसमिट लाइट होगी, ठीक है। ट्रांसमिट दो पार्ट में डिवाइड करेगी, ट्रांसमिट मीन्स पारगमित किरण, पारगमित किरण और किसमें, परावर्तन में, दो चीजों में ये डिवाइड कर देगी, किसमें, ट्रांसमिटेड लाइट में और रिफ्लेक्टेड लाइट में, ठीक है। तो एक का रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहां से और दूसरे का क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा यहां से, ठीक है। यहां पे एक मिरर लगा देंगे हम M1, ठीक है। जो हमारी परावर्तित किरण है, जो हमारी परावर्तित किरण है वो जाएगी मिरर M1 पे, ठीक है। थोड़ा डायग्राम में अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूं, नेक्स्ट पेज पे आपका। ये हमारा क्या है, लेजर स्रोत है, लेजर सोर्स है ये हमारा, यहां से हम लेजर लाइट देंगे। ये कोई प्लेट है हमारी, स्प्लिटिंग प्लेट नाम क्यों दिया, क्योंकि एक लाइट को तो क्या करेगी ये परावर्तित करेगी और दूसरी को क्या करेगी, पारगमित करेगी, ठीक है। यहां से क्या होगी ये लाइट, यहां कोई मिरर लगा रहे हैं M1, ठीक है। यहां से लाइट क्या आएगी, परावर्तित लाइट आएगी, परावर्तित किरण, और यहां से क्या आ जाएगी ये पारगमित, ठीक है। इसलिए इसका नाम दिया है विभाजक प्लेट, इसको नाम दे देते हैं P1, विभाजक प्लेट, ठीक है। यहां से यहां पे एक मिरर और लगा देंगे हम M2, ये हम क्या कर रहे हैं, होलोग्राम का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। यहां से ये लाइट आएगी, यहां पे क्या है, हम कोई ऑब्जेक्ट, जो कोई बिंब रख देंगे, ये कोई ऑब्जेक्ट जिसका हमें होलोग्राम बनाना है, मान लो हमें अपना होलोग्राम बनाना है तो हम खुद खड़े हो जाएंगे यहां पे, ठीक है। ये बिंब है कोई ऑब्जेक्ट जिसका हमें क्या है, होलोग्राम बनाना है, ठीक है। अब ये क्या है,
परावर्तित किरण यहाँ से मिरर से टकराएगी और परावर्तित होके इस पे ऑब्जेक्ट पे आएगी, ऑब्जेक्ट पे आएगी, फिर यहाँ से ये कहाँ जाएगी, यहाँ एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी होगी, फोटोग्राफिक प्लेट, जो क्या करेगी, होलोग्राम को का निर्माण करेगी। ये हमारा यहाँ क्या मिलेगा, हमें होलोग्राम मिलेगी, ठीक है। यहाँ से आएगी ये लाइट, परावर्तित किरण परावर्तित होके एक ट्रांसमिशन होके और रिफ्लेक्टेड होके यहां से आई, ऑब्जेक्ट पे आई, फिर ये किस पे गई, फोटोग्राफिक प्लेट पे गई, यहां हमें क्या मिल जाएगा, हमारा होलोग्राम। और जो यहां पारगमित किरण आई थी ये इस पे आई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई और यहां मिल गई। तो किरणें यहां पे मिल रही है तो यहां पे क्या बन रहा है, इंटरफ्रेंस पैटर्न बन रहा है, इंटरफ्रेंस पैटर्न बन रहा है। यहां इंटरफ्रेंस पैटर्न बन रहा है ना, मीन्स यहां पे व्यतिकरण हो रहा है, यहां पे व्यतिकरण हो रहा है, ये व्यतिकरण ही क्या देगा, हमें होलोग्राम का निर्माण करा देगा, ठीक है, समझ गए। लेजर सोर्स से क्या आई, लाइट आई, इसको स्प्लिट किया ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड लाइट में, और फिर मिरर से टकरा के इन दोनों को ऑब्जेक्ट पे गिराया, ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद ये यहां से फोटोग्राफिक प्लेट पे गई, और जो ये किरण थी ये यहां से, ये रे यहां से फोटोग्राफिक प्लेट पे आ गई। अब दो तीन रे जब यहां पे मिलेगी, ये तो हमने दो इशू की है, यहां पे मिलेगी तो यहां पे क्या हो जाएगा, होलोग्राम का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, होलोग्राम का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहां पे होलोग्राम का निर्माण। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, होलोग्राम का निर्माण ही करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमारा हो गया होलोग्राम का निर्माण। अब देखिए सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम मीन्स पुनर्निर्माण, होलोग्राम का पुनर्निर्माण, ठीक है। अब देखिए जो हमारा होलोग्राम बना था, मान लेते हैं ये हमारा होलोग्राम बन गया, ठीक है, ये है हमारा होलोग्राम, पुनर्निर्माण कैसे करेंगे इसका, ये हमारा होलोग्राम बन गया यहां पे। अब क्या है, वापिस से वही लेजर लाइट जो हमने स्टार्टिंग में लेजर लाइट का यूज किया था, वही लेजर लाइट इस पे हम डालेंगे, सेम वही लेजर लाइट, ठीक है। अब ये लेजर लाइट कैसे डालेंगे, जो ये रेज आ रही थी इसमें से, जितने एंगल पे ये हमारे होलोग्राम पे, जितने एंगल पे ये रेज गिर रही थी ना, उतने ही एंगल पे क्या है, ये रे यहां से गिराएंगे हम लेजर लाइट से, उतने ही एंगल पे ये लाइट हम होलोग्राम पे गिरेंगे। और जो हम ये स्प्लिटिंग प्लेट रखते हैं ना, ये 45 डिग्री पे रखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से हमारा होलोग्राम मिला है हमें, होलोग्राम का हम पुनर्निर्माण कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं होलोग्राम की, तो होलोग्राम को यहां रखा और वापिस से वही लेजर लाइट इस पे हमने आपतित करवा दी, मीन्स डाल दी, ठीक है। तो ये क्या है, होलोग्राम पे जाने के बाद ये यहां से हमें क्या दिखेगी, ये होलोग्राम होगा ना, ये एक ग्रेटिंग की तरह काम करेगा। अब ग्रेटिंग क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक ग्रेटिंग की तरह काम करेगा, जब ये लाइट इसके ऊपर आएगी तो यहां इसकी इमेज बनाएगा, ये तीनों लाइट की यहां क्या बनेगी, इमेज, रियल इमेज यहां बनेगी। अब हमने ये चीज आपने लेंस वगैरह में ये पढ़ी होगी कि एक रियल इमेज बनती है, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब और एक वास्तविक प्रतिबिंब, दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये जो एलिमेंट डालेंगे होलोग्राम, उस पर वापिस से लेजर लाइट उतने ही एंगल से, जितने एंगल से यहां पे गिर रही थी, उतने ही एंगल से अगर इस पे वो डालेंगे तो क्या है, हमें क्या मिल जाएगी, रियल इमेज मिल जाएगी यहां पे, ठीक है, इन लाइट की रियल इमेज मिलेगी। अब ये रियल इमेज यहां मिलेगी, ठीक है, तो ये लाइट हमें दिखेगी कहां, जो इमेज तो बन रही है यानी यहां, इनका प्रतिबिंब तो बन रहा है यहां, बट इन लाइट का प्रतिबिंब हमें ऐसे मिलती हुई दिखेंगी, और इस लाइट का प्रतिबिंब दिखेगा हमें यहां, ठीक है, ऐसे दिखेगी हमें, ठीक है। हमें ऐसे भी दिख सकती है कि हम यहां से अगर हम चेक कर रहे हैं, मान लो आपको डायग्राम में ऐसा स्यू मिल जाए, कंफ्यूज नहीं होना, होलोग्राम का निर्माण तक बिल्कुल सही है, यहां तक कर ले, आपको डायग्राम में मैं नोट्स भेजूं, क्या पता उसमें आपको ऐसे मिले, तो होलोग्राम ये है हमारा, यहां से हम लेजर का लाइट डाल रहे हैं, लेजर की पुंज डाल रहे हैं, यहां से लेजर की किरणें, ठीक है, यहां से वो निकल रही है इस होलोग्राम से, ठीक है, यहां हमारी क्या है आंख, यहां मतलब हमसे हम देख रहे हैं इसको, ठीक है, यहां से हम इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं ना, तो यहां पे क्या है, इसकी रियल इमेज बन रही है, ऐसे भी दिख सकती है आपको, ऊपर की बजाय यहां,
यहां इसका आपको, यहां दिखेगा आपको वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक मतलब रियल इमेज दिख रही है यहां पे, ठीक है। और यहां पे आपको क्या दिखेगी इनकी, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब मींस वर्चुअल, यहां से क्या दिखेगी आपको, वर्चुअल इमेज दिखेगी, ठीक है, समझ आ गया। और यहां से हमें क्या मिल जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल लेके आपको समझा देती हूं मैं एक बार। मान लो हम अपना अपनी तस्वीर देख रहे हैं होलोग्राफी के द्वारा, अपनी इमेज देख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां खड़े हो जाएंगे, यहां से एक प्लेट रखेंगे, स्प्लिटिंग प्लेट, विभाजक प्लेट, यहां से लाइट एक परावर्तित होगी, एक होगी पारगमित, ठीक है, वो मिरर एम से जाएगी और हमारे ऊपर पड़ेगी, तो हम हमसे पास होती हुई लाइट कहां जाएगी, फोटोग्राफिक प्लेट पे, और जो पारगमित किरण होगी वो भी क्या जाएगी, फोटोग्राफिक प्लेट पे। दो किरणें मिलेंगी तो वहां पे क्या बन जाएगा, इंटरफ्रेंस पैटर्न बन जाएगा, ठीक है, मतलब होलोग्राम का निर्माण हो जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट क्या है इसका, होलोग्राम का पुनर्निर्माण। अगर जब हम पुनर्निर्माण करेंगे तो दो तरीके से मिल सकती है, ये कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि ऊपर मिली या नीचे मिली, ये जस्ट मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है। तो ये होलोग्राम का जिसमें जो हमने निर्माण किया था, उस होलोग्राम को हम ले लेंगे, उस होलोग्राम को क्या करेंगे, उस पे हम वापिस से लेजर लाइट डालेंगे, वापिस जब लेजर लाइट डालेंगे तो हमारी क्या है, हम यहां से देख रहे हैं तो हमें यहां पे क्या मिल जाएगी, रियल इमेज मिल जाएगी और उसकी वास्तविक इमेज मिल जाएगी, वास्तविक प्रतिबिंब मिल जाएगा। और यहां से क्या है, वापिस हमें आभास कहां होगा कि हमारी इमेज कहां बन रही है, हमें यहां दिखेगी वर्चुअल इमेज। इस तरह से हम 3D डायमेंशन में हमारी इमेज बना सकते हैं, किसके द्वारा, होलोग्राफी के द्वारा, होलोग्राम का निर्माण करके, ठीक है। ये हो गई हमारी होलोग्राफी। होलोग्राफी की विशेषताएं क्या है, देखो आपको जब नोट्स पढ़ो तब उसमें ये दो चीजें मिलेगी, जब हम फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या है, नेगेटिव इफेक्ट दिखता है हमें, ठीक है। और ये इसमें दो प्रोसेस होती है, एक तो कंस्ट्रक्शन की और एक रिकंस्ट्रक्शन की, ये तो जो दो प्रोसेस होती है, जो नेगेटिव को जो हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं ना, उस उन दोनों प्रोसेस, ये द्विचरण प्रोसेस है, दो स्टेप की ये प्रोसेस है, इसलिए इसको बोलते हैं, पहले नेगेटिव मिलती है, नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तब हमें क्या मिलती है, हमारी होलोग्राफी मिलती है, ठीक है। तो होलोग्राफी की विशेषताएं हैं कि एक ही फोटोग्राफ पर क्या है, अब एक फोटोग्राफिक प्लेट हमने एक ले ली, इस पे काफी हम क्या बना सकते हैं, होलोग्राम बना सकते हैं, एक ही फोटोग्राफ, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। ये हमेशा हमें पॉजिटिव इमेज देगा, दो स्टेप में होगी और हमें क्या देगा, पॉजिटिव इमेज देगा। और एक ही फोटोग्राफ प्लेट पर हम कई होलोग्राम का निर्माण कर सकते हैं, कई होलोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ यूज भी हैं, इसको कमर्शियल व्यापारिक रूप में हम यूज करते हैं, ठीक है। डाटा संग्रहण, डाटा स्टोरेज के रूप में हम इसको यूज करते हैं। पहला लिख रही हूं मैं इसकी एप्लीकेशन, कमर्शियल मतलब व्यापारिक तरीके से हम इसका यूज करते हैं, व्यापारिक, ठीक है। सेकंड, डाटा स्टोरेज के रूप में इसका यूज करते हैं, डाटा स्टोरेज मतलब डाटा संग्रहण, ठीक है। ध्वनि होलोग्राफी, साउंड होलोग्राफी के रूप में इसका यूज करते हैं, ये कुछ इसके यूजेस हैं। ये थे हमारा होलोग्राफी, ठीक है। होलोग्राफी फोटोग्राफी की तरह होती है, ये 3 डायमेंशन होती है, इसका निर्माण दो स्टेप में होता है, एक तो कंस्ट्रक्शन और एक रिकंस्ट्रक्शन, निर्माण होलोग्राम का और उसका पुनर्निर्माण, होलोग्राम का निर्माण करके उसमें हम अपनी इमेजेस देखते हैं, ठीक है। इसके नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के। थैंक यू एवरीवन।